जी वो लग रहा है क्योंकि उन्होंने अपने आप को भरपूर टाइम दिया और अपने आप को पैक किया कि वो प्रेशर को अब्सॉर्ब करेंगे, जैसे मैंने पहले बात की। यही आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने सबसे बेहतरीन बॉलर से लास्ट ओवर ऑन साइड पे, लेकिन उनके सामने इफ्तिखार है जो नहीं रोक पा रहे हैं। एक और लो फुल टॉस जिसे खेल दिया है ऑन साइड पे स्क्वायर लेग बाउंड्री की जाने 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, पिकअप शॉट था। इफ्तिखार पहुंच गए 64 रन पर। आखिरी 5 बॉल है वहां पे। आज एक बार फिर बॉल हवा में, बॉल गैप में, बॉल और 6। बहुत ही शानदार शॉट और यही वो चीज हमें चाहिए थी इफ्तिखार से, एक फिनिशिंग टच दे, अपनी एबिलिटी, हार्ड हिटिंग एबिलिटी को सामने लेके आए और स्टेज उन्होंने अपने लिए सेट की। एक बार फिर बाबरियाज बॉल करेंगे इफ्तिखार को, बॉल हवा में, लेकिन एक बार फिर रिकॉर्ड छक्का, 3रा छक्का। ये हैट्रिक किसको कहते हैं और बहुत ही बेहतरीन शॉट और डिफरेंट रेंज है, एक जो है बिहाइंड द स्क्वायर लेग, एक इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट और तीसरा शॉट सामने मिड ऑफ ओवर। तो जितनी तारीफ की जाए उनकी शॉट रेंज की वो कम है, वो हाफ की बॉलिंग को स्पॉइल भी कर रहे हैं। एंगल चेंज किया, राउंड द विकेट आया, लेकिन इफ्तिखार नहीं रुक पा रहे। इस बार ऑफसाइड पॉइंट के ऊपर से अंपायर का डिसीजन देखना होगा। 6 रन, 4th छक्का इफ्तिखार के नाम। ये स्पेशल इनिंग्स है इफ्तिखार की और बहुत ही मजा आ रहा है उनको देख के। अब बचना होगा इफ्तिखार से। एक बार फिर पॉइंट के ऊपर से, जी हां, एक बार फिर एक और छक्का इफ्तिखार के नाम रहेगा। 5 पे 5। I'm loving it. इफ्तिखार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आखिरी बॉल, क्या 6 छक्के लगा सकेंगे? मैं चाहता हूँ 6 छक्के लगते। I'm sorry, वहाब। 85 रन पर इफ्तिखार आखिरी बॉल करेंगे। वहाब एक और हवा में बॉल, एक और 6 छक्के।